हेमा मैम भैया देखकर आए हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा था कि तो दोस्तों सनी देओल के सौतेली माँ यानी कि हेमा मालिनी सनी देओल के परिवार के फंक्शन में हमेशा नजर नहीं आती, लेकिन दोस्तों इस बार हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 को देखने के लिए खुद थिएटर पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों फिल्म देखने के बाद हेमा मालिनी थिएटर से बाहर निकलकर गदर 2 को रिव्यू देते हुए काफी कुछ बातें बताई है और साथ ही साथ दोस्तों सनी देओल को भी जमकर तारीफें की हैं, जिसका वीडियो मैं आपको इस वीडियो के आगे दिखाने वाला हूं, तो इसलिए बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों आप सभी को पता है कि गदर 2 फिल्म्स कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अब ये फिल्म 9 दिनों में 336.13 करोड़ की आंकड़ा पार कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों इसके साथ दोस्तों सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 इस साल की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। वहीं पे दोस्तों अब सनी देओल की सौतेली माँ यानी कि हेमा मालिनी ने भी इस फिल्म को देखने के बाद वो तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। जी हाँ दोस्तों हेमा मालिनी इस फिल्म के हर एक्टर को तारीफ कर रही हो, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के जो मेकर्स हैं अनिल शर्मा उनको भी हेमा मालिनी काफी ज्यादा तारीफे कर रही है। आप खुद ही देख लीजिए कि हेमा मालिनी ने गदर 2 फिल्म और सनी देओल के ऊपर क्या कुछ बोले। हेमा मैम भैया हेमा जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा था कि 70s और 80s का उस जमाने का फिल्म का जैसा एक दौर है वो उस दौर का लेकर आया है। अनिल शर्मा जी ने बहुत ब्यूटीफुल डायरेक्शन किया है और सनी इज सुपर एंड उत्कर्ष ऑल्सो अनिल शर्मा जी इज सन, उन्होंने भी बहुत सुंदर एक्टिंग किया है और नई लड़की जो है वो भी बहुत अच्छी है और इस पिक्चर देखकर एकदम राष्ट्र के प्रति जो भाव होना चाहिए पेट्रियाटिज्म वो बहुत ही है, हिंदू और मुस्लिम के प्रति जो भाईचारा होना चाहिए उस विषय को लास्ट में लेकर आए हैं और इट इज़ नाइस फॉर मैसेज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। वैसे दोस्तों आप इस मूवी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या ये मूवी 500 करोड़ की आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी और आप सनी देओल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बॉलीवुड के इस तरह के वीडियोज को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।